एकदम ऐसा लग रहा है हम लोग रियल वर्ल्ड पे लोकोमोटिव को ड्राइव करते हुए ले जा रहे। यहाँ पे तीन तीन ट्रेन्स का ना एक साथ में पैरेलल रन हो रहा है गाइस। सीधा जाके इस ट्रेन को ठोकने वाले, जल्दी से रुको, ब्रेक सप्लाई करो यार, अभी मरने वाले हम लोग। तो इतने दिन से मैंने आपको ना जाने कितने सारे बैक टू बैक डीजल ट्रेन जर्नीज दिखाए, तो यार आज बारी है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ में ट्रेन्स के दुनिया में खोने के लिए? तो देर किस बात की, हो जाइए तैयार। सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो गाइस आज हम लोग एक करियर सिनेरियो ट्राई करने जा रहे हैं। वैसे यार करियर सिनेरियो है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ढेर सारे ट्रेन्स आपको देखने को मिलने वाली है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि चलो ट्रेन्स की दुनिया में खोने के लिए तैयार हो जाओ मेरे साथ में। तो गाइस यहां पे आप लोग फिलहाल देख सकते हैं हम लोग एक जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ में खड़े हुए हैं। सामने इटारसी स्टेशन है तो वहां पे हम लोग को जाना है। अभी हम लोग को जो मैसेज मिला है कि इस लोकोमोटिव को पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद में इसको आगे लेके जाना है। तो चलो गाइस पहले लोकोमोटिव के अंदर में चलते हैं। अच्छा ये हम लोग पीछे के साइड में आ गए, तो पीछे से फिलहाल हमको ड्राइव करना है रिवर्स मोड पे, हमको यही डायरेक्शन मिला है। तो एक काम करते हैं, पहले ये की को ऑन करते हैं, उसके बाद में पेंटोग्राफ को भी ऊपर करेंगे, और जो साउंड आएगा ना गाइस उससे यार आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखा के आता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ से मैं पी प्रेस करके पेंटोग्राफ को ऊपर करता हूँ, ये देखो अभी साउंड सुनो गाइस। तो गाइस कैसा लगा आप सभी को ये वाला साउंड? वैसे गाइस मैं सोच रहा था हम लोग को तो सामने के डायरेक्शन पे जाना है, तो उस हिसाब से हमारे पीछे वाले पेंटोग्राफ को अप करना था। तो एक काम करते हैं कैब के अंदर में चलते हैं, मतलब पीछे वाले कैब के अंदर में, और इस पेंटोग्राफ को ना हम लोग फ्रंट पे कर देते हैं। एक सेकेंड रुको, हाँ अब ये सही लग रहा है। अभी शायद से अगर बाहर में जाएंगे तो अगर ये देखो तो हमारा पीछे वाला पेंटोग्राफ अप हो चुका है। चलो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी जल्दी से हम लोग पहुंचाते हैं हमारी ट्रेन को इटारसी जंक्शन पे, और उससे पहले ब्रेक्स रिलीज़ करना तो बनता है। ब्रेक्स हमारे रिलीज़ हो चुके हैं और हम लोग को बोला गया था रिवर्सर को हम लोग को रिवर्स पोजीशन पे सेट करना है। रिवर्स पोजीशन पे सेट कर चुके हैं, अभी हॉर्न मारेंगे यहाँ से डिपार्ट करेंगे। चलो धीरे धीरे डिपार्ट करते हैं, यहाँ पे डिपार्चर इसका होने देते हैं। तब तक ना आप लोग ये राइट साइड वाला क्रॉसिंग देख लो, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस। तमिलनाडु एक्सप्रेस का क्रॉसिंग एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में ही ट्रेन्स दिखना शुरू हो चुके हैं। तो गाइस आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आगे हम लोग को और कितना ज़्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस इसका क्रॉसिंग आप लोग देखते रहिए, तब तक हम लोग धीरे धीरे से डिपार्ट कर रहे हैं। ये जो ट्रेन है ना अभी इटारसी से डिपार्ट करके आगे आ ही रही है कि हम लोग के साथ में इसका मुलाकात हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हम लोग को येलो सिग्नल मिला है, और अगर बात करें बीच वाले ट्रैक्स की तो यहाँ पे भी येलो सिग्नल है। क्या पता गाइस पीछे से कोई ट्रेन आ रही है क्या, मेरे को खैर कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। हम लोग फिलहाल अपनी ट्रेन को पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे पहुँचते हैं इटारसी जंक्शन तक। एक बार हॉर्न बजा भी देते हैं। चलो गाइस ये पीछे के साइड में आ चुके हैं, और जो ट्रैक साउंड्स भी आ रहे हैं ना मस्त वाले, मतलब मैं अपने वाले नहीं, मैं इस एलएचबी के बात कर रहा हूँ। ये देखो इसका ट्रैक साउंड सुनो गाइस। क्या मस्त ट्रैक साउंड्स भी आ रहे हैं। तो फिलहाल ट्रेन के पास में चलते हैं, और हम लोग फिलहाल उल्टे डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना, तो इसीलिए कैमरा एंगल को एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ से दूसरा वाला हॉर्न ट्राई करते हैं हम लोग, ये भी काफ़ी मस्त हॉर्न है। वैसे इटारसी में हम लोग को कब तक पहुंचना है मैं एक बार देख लेता हूँ। इटारसी पे हम लोगों को ड्रॉप ऑफ करना है, मतलब इस ट्रेन को ले जाकर हम लोगों को लोको रिवर्स करना है। तो गाइस अभी फिर से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, गाइस हो जाइए तैयार, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं आपको एक लोको रिवर्सल वाला सिनेरियो दिखा रहा हूँ। और मैंने भी काफ़ी टाइम पहले रेल वर्क्स पे लोको रिवर्सल किया था, और आज बारी है दूसरे टाइम की। तो चलो यार पहले इटारसी जंक्शन तक पहुँचाते हैं ट्रेन को, उसके बाद में देखेंगे कि लोको रिवर्सल वगैरह का क्या क्या डायरेक्शन और ऑर्डर वगैरह मिलता है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ वैसे नेम बोर्ड पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है। वैसे ट्रेन का नेम बताना तो मैं भूल ही गया, आज हम लोग ड्राइव कर रहे हैं 12061 रानी कमलापति जबलपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस। वैसे गाइस यहाँ पे जो रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है ना, आप लोग इसका टेंशन मत लो, क्योंकि हम लोग को ये भी बोला गया था कि सिग्नल्स कभी कभी हम लोग इग्नोर मार सकते हैं,
और सीधा स्टेशन पे चल सकते हैं ब्लू लाइन को देखकर, यानी जो हमारे 2D मैप पे होता है। तो मैंने ऑलरेडी देख लिया, तो वहाँ पे बिल्कुल सब सही सलामत है, हम लोग आराम से जा सकते हैं स्टेशन की ओर पे। वैसे अगर मैं लाइट्स जलाऊँ ना तो लाइट्स जलेंगी नहीं, क्योंकि मैं पीछे वाले कैब यानी यहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मैं आपको अंदर लेके चल के दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो आप लोग। फिलहाल हम लोग पीछे वाले कैब पे, दरवाज़ा थोड़ा सा खोल देते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। और जो वेदर है ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी सा होके रखा है, पता नहीं यार बारिश वारिश आएगा क्या। अभी तो फिलहाल बहुत क्लाउडी और ख़तरनाक सा माहौल लग रहा है। वैसे हम लोग इटारसी पे बस एंटर करने ही वाले हैं, तो इसीलिए स्पीड हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते। 40 km/h के रफ्तार को पकड़ कर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड को भी रिड्यूस मार देंगे अभी, चिंता मत करो आप लोग। चलो यार बाहर में चलते हैं, क्योंकि यार दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से ढंग से कुछ। और बीच बीच में जो खतरनाक वाली स्पार्क कर रही है ना हमारी लोकोमोटिव यार, ये इसका तो अलग ही मज़ा है गाइस। हाँ तो गाइस ये सही लग रहा है अभी, तो स्पीड को थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ट्रैक चेंज वगैरह होने वाला है, तो 30 के अंदर में रखते हैं स्पीड को। हाँ इतना सही है गाइस, कुछ ज़्यादा ही स्लो हो चुका है। 20 km/h का रफ्तार को हम लोग अभी मेंटेन करने जा रहे हैं, 25 km/h का, जो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से हम लोग चलते हैं, एंटर करते हैं इटारसी पे। अभी शाम का 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बजे हम लोग इटारसी पे एंटर कर रहे हैं हमारी ट्रेन के साथ में। हॉर्न मार देते हैं यहाँ से। अगर मैं बात करूँ पैसेंजर व्यू की, तो पैसेंजर व्यू अंदर से अवेलेबल है, बाहर से अवेलेबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सामने से ही थोड़ा सा व्यू को देख लेते हैं और इन्जॉय करते हैं गाइस। इटारसी पे अभी तो फिलहाल मेरे को बिल्कुल खाली खाली सा स्टेशन नज़र आ रहा है, पता नहीं यार थोड़ी देर में क्या पता बहुत सारे ट्रेन देखने को मिल जाए, क्योंकि यार एक करियर सिनेरियो है। वैसे यहाँ पे ना हम लोग को पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं और पॉइंट्स डिडक्ट भी होने वाले हैं हमारे ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर देखकर। वैसे मेरे को तो पता है कि मैं कितना अच्छा ट्रेन चलाता हूँ, तो गाइस मेरे को लगता है बहुत ही कम पॉइंट्स मेरे को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे तब तक आप लोग ना देख लो कि एक ट्रेन का अराइवल चल रहा है, कौन सा ट्रेन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो पीछे के साइड में चलते हैं, यहाँ से आप लोग देखेंगे कि कौन सा ट्रेन है। और हम लोग धीरे धीरे एंटर तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा सामने जाकर हम लोग रोक देंगे ट्रेन को। ये देखो ये जो ट्रेन है फाइनली अराइव करके अभी रुकने वाली है, इसका ब्रेक साउंड भी आ रहा है। चलो इसको रुकने देते हैं यहाँ पे, इसका भी सामने वाला पेंटोग्राफ आप है गाइस देख सकते हो। तो चलो गाइस जैसे ही पूरा ट्रेन हमारा एंटर हो जाएगा ना, हम लोग तुरंत से ब्रेक्स लगाकर ट्रेन को रोक देंगे। वैसे यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, पूरे के पूरे ट्रेन को ना स्टेशन के अंदर में आने दो, उसके बाद में ब्रेक्स को हम लोग पूरी तरीके से अप्लाई कर देंगे और जो पैसेंजर का डोर है ना उसको हम लोग ओपन कर देंगे। तो चलो गाइस यहाँ से अभी हम लोग धीरे धीरे ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का ट्रेन हमारा एंटर हो चुका है स्टेशन के अंदर में। बस इसको भी रुकने देते हैं आराम आराम से, ब्रेक साउंड भी आ रहा होगा इसका। अरे रुक जा भाई, कितनी दूर में जाना है। हाँ चलो ये यहाँ पे फिलहाल तो रुक चुकी है, अभी एक काम जो करना है हम लोग को, पैसेंजर के जो डोर्स है ना उसको ओपन करना है। चलो ओपन कर देते हैं, कहाँ गया ये वाला शायद ऑप्शन है। हाँ चलो डोर्स हमारे ओपन हो चुके हैं, लगता है कि इस दूसरा भी कोई ट्रेन आ रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा साउंड सुनाई दे रहा है। कहाँ से ट्रेन आ रहा है यार? अरे वो देखो गाइस एक फ्रेट ट्रेन है, WAG-9 के साथ में एक फ्रेट ट्रेन है BCNA वाली। तो यार BCNA फ्रेट ट्रेन अभी अराइव कर रही है या फिर क्रॉस कर रही है स्टेशन को पता नहीं, क्योंकि सामने में अगर आप देखेंगे, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, वहाँ पे देखो सिग्नल इसका रेड है या येल्लो है, शायद से येल्लो है गाइस। अच्छा तो येल्लो सिग्नल है, तो शायद से ये यहाँ से अभी चली जाएगी। खैर जो भी है उसको जाने देते हैं यहाँ से। तो यार देखो वीडियो के स्टार्टिंग में अब तक मैंने आपको कितने सारे ट्रेन दिखाए, सामने में तो यार एक ट्रेन मैंने आपको वहीं पे दिखाया, फिर जैसे हम लोग स्टेशन पे एंटर कर रहे थे दूसरा ट्रेन अराइव कर रही थी, साथ साथ में एक फ्रेट ट्रेन भी अराइव कर रही है। अभी तक 3 ट्रेन हम लोग देख चुके हैं। वैसे मेरे को एक बात बताओ, ये ट्रेन शायद से रुक रही है यार, क्या बात है, इसका सिग्नल तो येल्लो मिला था, इसको रुकना तो नहीं चाहिए था। खैर जो भी हो ये अभी यहाँ पे रुकी हुई है, और हम लोगों को जो फिलहाल काम करना है वो है लोकोमोटिव को अनकपल करना है। चलो ट्रेन के पास में सामने के साइड में चलते हैं, ये देखो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, हमारे लोकोमोटिव को ना अनकपल कर देते हैं ट्रेन, क्योंकि हम लोग को लोको रिवर्सल करना है ना। तो चलो यार F4 को प्रेस करते हैं, कपलिंग वाला जो विंडो है वहाँ पे जाते हैं और यहाँ कपलर के ऊपर में डबल क्लिक मार देते हैं। चलो
कपलिंग का काम हमारा हो चुका है कंप्लीट, और अभी जो है दूसरा जो टास्क, अरे मैडम आप यहाँ पे सामने में क्या कर रही है, थोड़ा सा मैं पीछे हटता हूँ। हाँ तो अभी यहाँ से सही दिख रहा है व्यू, एक काम करते हैं। तो फिलहाल हम लोग को SP01 जो पॉइंट है वहाँ तक जाना है। F6 को प्रेस करते देखते SP01, वो देखो सामने में है। तो चलो यार सामने में चलते हैं, ब्रेक्स रिलीज मारते हैं। और अभी अभी हॉर्न बजाते हैं और सामने के साइड में चलते हैं। यार ज़्यादा स्पीड हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि यार ये स्टेशन वाला एरिया है ना, तो 10 km/h का रफ्तार जो है वो सही रहेगा। चलो यार इतना ही सही रखते हैं, मैं थ्रॉटल को पूरा जीरो पे कर दिया हूँ फिलहाल। तो धीरे धीरे हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं लोको रिवर्सल। तो गाइस लोको रिवर्सल हो रहा है काफ़ी दिन बाद, मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। वैसे पता नहीं यार आपको कैसा लग रहा है, आपको भी अच्छा ही लगना चाहिए। वैसे यहाँ पे परमिशन हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है आगे जाने के लिए, तो सिग्नल्स फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। और ये देखो ये मैडम अचानक से बता नहीं कहाँ से टेलीपोर्ट हो गई, यहाँ पे आ गई। और सामने SP01 थोड़ा सा सामने है, हम लोग थोड़ा सा थ्रॉटल को इंक्रीज करते हैं। मेरे को लगा 10 km/h का रफ्तार सही होगा, लेकिन चलो कोई नहीं, हम लोग 20 के रफ्तार को मेंटेन कर रहे हैं फिलहाल। तो वैब 7 का यार क्या खतरनाक वाला साउंड आ रहा है, एक्सीलरेशन मारा यार, आपको कैसा लग रहा है? चलो यार ये रिवर्सल पॉइंट तक पहले पहुंचने दो, उसके बाद हम लोग जब पीछे के साइड में जाएंगे ना तब मैं आपको लोकोमोटिव के बारे में बता दूंगा धीरे धीरे करके। अच्छा तो अभी मेरे को समझ में आया कि क्यों हमारा जो सिनेरियो है वो पीछे वाले कैब से शुरुआत हुआ उसका। तो चलो यार SP01 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पे फिलहाल ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं, कैब के अंदर में चलते हैं। ब्रेक्स कहाँ गए यार, ब्रेक्स को अप्लाई करो जल्दी से। चलो ब्रेक्स हमारे अप्लाइड हो चुके हैं और यहाँ से फिलहाल हम लोग को पीछे के साइड में जाना है। देखो मैसेज आ गया, ओके स्टॉप हेयर एंड चेंज फॉरवर्ड मोड एंड गो टू SP02। तो यहाँ से हम लोग को SP02 पॉइंट पे जाना है लोकोमोटिव को लेकर। तो यहाँ पे हम लोग रुक चुके हैं और अगला जो हमारा टास्क है वो है SP02। तो SP02 में हम लोग को जाना है लोकोमोटिव के साथ में। तो एक काम करते हैं, पहले रिवर्सल को करते हैं हम लोग फॉरवर्ड पे। रिवर्सल हो चुका है फॉरवर्ड पे और ब्रेक्स को करते हैं हम लोग रिलीज। देखो यार प्रेशर कैसे रिलीज हो रहा है। और अभी हॉर्न मार के हम लोग यहाँ से थ्रॉटल देकर आगे बढ़ते हैं। हॉर्न का स्विच कहाँ चला गया, ये रहा सामने में ही है। हल्का सा गाइस पावर देना है, ज़्यादा पावर देंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि स्टेशन वाला एरिया है ना। एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग हेडलाइट्स को ऑन कर देते हैं। हेडलाइट्स का स्विच कहाँ गया, शायद से ये है ना, ये वाला ब्राइट स्विच है। अच्छा पहले मार्कर्स को ऑन करते हैं, मार्कर्स वाइट वाले जो मार्कर्स होते हैं पहले उसको हम लोग ऑन करके आते हैं। हाँ अभी मार्कर्स को जला चुके हैं, मार्कर्स को ऑन कर चुके हैं। ये देखो सामने वाले मार्कर्स जल रहे हैं, पीछे वाले मार्कर्स ग्लो हो रहे क्या? नहीं, पीछे वाले को भी जलाना बनता है गाइस। एक काम करते थ्रॉटल को हम लोग जीरो पे कर देते हैं क्योंकि इतना स्पीड हमारा सही है। तो पीछे वाले मार्कर का जो स्विच है वो ये वाला है, देखो पीछे वाला भी ऑन हो चुका है। और अभी जन शताब्दी के रे को लेफ्ट साइड में छोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे वाले रिवर्सल पॉइंट तक। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। वैसे पेंटोग्राफ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो पेंटोग्राफ हम लोग चेंज करेंगे गाइस, पहले एक बार कपल कर लेने दो हम लोग को ट्रेन के साथ में, उसके बाद ना हम लोग पेंटोग्राफ को चेंज कर देंगे। वैसे यार यहाँ से आप लोग नज़ारा देखो यार, एकदम रियल वाली फील आएगी गाइस, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रियल वाली फील आ रही है। दरवाज़ा भी यहाँ पे खुला हुआ है, देखो यार क्या मस्त सा लुक आ रहा है यहाँ से, एकदम ऐसा लग रहा है हम लोग रियल वर्ल्ड पे लोकोमोटिव को ड्राइव करते हुए ले जा रहे हैं इटारसी स्टेशन के थ्रू। इस वाले दरवाजे को भी खोल देते हैं, दरवाजे का साउंड काफ़ी मस्त आ रहा है गाइस, क्या कहते हैं, दरवाजे को जैसे ही बंद करेंगे ना देखो कैसे साउंड आएगा। वाह यार क्या मस्त सा साउंड है। वैसे यार एसी वैसी है क्या हमारे लोकोमोटिव पे? हाँ वो देखो वहाँ पे एक एसी वेंट है और यहाँ पे एक और एसी वेंट है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ तब से ठंड लग रहा है, काफ़ी मस्त सा एसी चल रहा है और हम लोग आराम से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हमारे लोकोमोटिव के साथ में इटारसी स्टेशन के थ्रू। और धीरे धीरे हॉन्किंग भी करते हुए जा रहे हैं ताकि यार किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक काम करते हैं सामने का ना हेडलाइट्स भी ऑन कर देते हैं। हेडलाइट्स का स्विच कहाँ गया, ये है क्या? हाँ ये वाला है, देखो सामने का हेडलाइट्स भी ऑन है।
और SP02 जो है पॉइंट मेरे को सामने दिखाई दे रहा है, तो वहाँ तक चलते हैं और फिर रोक देंगे ट्रेन को, मतलब हमारे लोकोमोटिव को। सिग्नल तो हम लोग को मेंटेन करने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल। तो स्पीड कितना है हमारा, 23 km/h का रफ्तार से हम जा रहे हैं, 30 का लिमिट है यहाँ पे। अरे ये देखो यार, यहाँ पे बारिश भी आना स्टार्ट हो चुकी है गाइस। देखो यार, अचानक से बारिश मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यार डायनेमिक वेदर का जो सीन है वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो SP02 सामने आ चुका है, हम लोग एक काम कर देते हैं, ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं धीरे धीरे और ट्रेन को रुकवा देते हैं यहाँ पे जल्दी से। चलो गाइस, फाइनली हमारी लोकोमोटिव यहाँ पे रुक चुकी है और यहाँ से हम लोग को पीछे के साइड में जाना है, यानी अब जाकर हम लोग को हमारे ट्रेन के साथ में कपल करना है। तो इसका काम चलने देते हैं, उसके बाद में दूसरा जहाँ पे हम लोग को जाना है वहाँ पे जाने का ऑर्डर दिया जाएगा। थोड़ा बाहर में आते देखते हैं कि नज़ारा यहाँ पे कैसा है, थोड़ा सा लाइट सा होकर रखा है यहाँ पे। ओके, स्टॉप हियर एंड गो टू प्लेटफॉर्म नंबर 3 ऑफ इटारसी विद रिवर्स मोड एंड कपल लोको विद ट्रेन। तो यहाँ से रिवर्स मोड पे हम लोग को इटारसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है, जहाँ पे हम लोग रेक्स को छोड़कर आए थे, तो वहीं पे हम लोग को जाना है। वैसे बारिश अभी काफ़ी स्लो हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, बारिश आ चुकी है। लेकिन यार मेरे को तो मज़ा आ रहा है, मौसम ख़राब होने तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लगता है कोई एक और ट्रेन आ रही है, मेरे को यहाँ से हॉर्न सुनाई दे रहा है। कहाँ से ट्रेन आ रही है, ये देखो यार सामने से ट्रेन आ रही है, 11428 जसीदी पुणे वीकली एक्सप्रेस का क्रॉसिंग देखो यार आप लोग। वाह यार, क्या खतरनाक ट्रैक साउंड के साथ में ये ट्रेन अभी क्रॉस कर रही है, मतलब एंटर कर रही है इटारसी पे। वैसे इटारसी जंक्शन स्टेशन है ना, तो यहाँ पे इस ट्रेन को रुकना तो चाहिए, वैसे शायद से अभी यहाँ पे रुकने वाली है। देखो इसका स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है, आपको भी देखकर पता चल ही रहा होगा। और इसको जाने देते हैं और हम लोग भी चलते हैं धीरे धीरे पीछे के साइड में, तो क्या होगा ना, इससे छोटा मोटा सा पैरेलल रन आपको देखने को मिलेगा अभी। तो रिवर्सल को करते हैं हम लोग बैकवर्ड्स के साइड में और चलते हैं हम लोग आगे की ओर में। तो देखो यार, अभी थोड़ा सा यानी छोटा मोटा सा एक पैरेलल रन आपके लिए, हम लोग दोनों ही एक साथ में आराम आराम से एंटर कर रहे हैं इटारसी पे। एक जा रही है पैसेंजर बोर्ड करने के लिए और हम जाने लोकोमोटिव कपल करने के लिए। सब लोग अपने धंधे से ही चल रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग लोकोमोटिव के अंदर से थोड़ा सा नज़ारा देख के आते हैं कि कैसा लग रहा है नज़ारा। और बारिश यार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है अभी, आपको भी देख के लग रहा होगा, यहाँ से आप लोग देखते रहिए गाइस। हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते क्योंकि यार सामने में ट्रेन है ना, तो वो थोड़ा सा स्पीड से जा रही है, वैसे चिंता मत करो वो अभी स्लो डाउन हो जाएगी। और एक काम करते हैं, मैं थ्रॉटल को ना पूरे ज़ीरो पे कर देता हूँ, चलो इतना ठीक है। और सामने ही मेरे को दिखाई दे रहा है हमारा जो ट्रेन है वही दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ में धीरे धीरे जाकर कपल करना है। मैं ब्रेक्स धीरे धीरे करके अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा पास में आ चुके हैं हम लोग को सामने में जाकर रोकना है ट्रेन को। चलो यहाँ पे रोक चुके हैं। और यार इमरजेंसी ब्रेक का क्या सीन है यार, कभी कभी अचानक से इमरजेंसी ब्रेक्स लगने का झोल हो जा रहा है और हमारा जो पॉइंट्स है ना वो डिटेक्ट भी हो जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, ब्रेक्स मैंने रिलीज़ कर दिया, धीरे से हॉर्न बजाकर आगे चलते हैं और काफ़ी स्लोली ना हम लोग को कपल करना है ट्रेन को। गाइस मैं आपको ना थोड़ा सा फ्री कैमरा मोड पे दिखा देता हूँ कि यार व्यू कैसा लग रहा है। तो वो देखो वहाँ पे वो जो ट्रेन है वो बस भी रुकने ही वाली है और हम लोग लोकोमोटिव लेकर आ रहे हैं यहाँ से। तो काफ़ी धीरे धीरे प्रोफेशनली काम करने का कोशिश करना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि पॉइंट्स डिडक्ट ना हो जाए हमारे, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। मैंने थ्रॉटल को पूरा ज़ीरो पे रखा है गाइस, तो इसका कपलिंग का एक्शन आप लोग एंजॉय कर लो। जैसे कपल होगा ना तुरंत हम लोग ब्रेक्स को लगा देंगे। चलो ब्रेक्स लगाना स्टार्ट करते हैं। वाह यार क्या फील आया गाइस, एकदम ऐसा लग रहा है कि रियल वर्ल्ड पे कपलिंग चल रहा है और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो यार मैंने ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया ऑलरेडी ताकि लोकोमोटिव अपने जगह से हिले ना, और कपलर विंडो को हम लोग खोलते हैं, जाकर कपलर को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ये देखो ये जो खुला हुआ है ना रेंच टाइप का, इसको हम लोग को ज्वाइन करना है। जैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे ना आप लोग देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ हो जा रहा है। एक सेकंड रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कपलिंग का काम हमारा हो चुका है कम्प्लीट। और गाइस यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा लगा, वैसे फिलहाल हम लोग को वेट करना है कि आगे जाने के लिए कब तक हम लोग को
सिग्नल मिलेगा। वैसे सिग्नल मिल चुका है शायद से, हाँ यार सिग्नल तो मिल चुका है, और जो मौसम है ना वो और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर आप लोग ऊपर में देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखो यार कितने ज़्यादा काले काले बादल नज़र आ रहे हैं, और वहाँ देखो वो ट्रेन डिपार्ट भी कर रही है यार। अरे तुम्हारा पैसेंजर बोर्डिंग हो चुका है यार, ये तो अभी अभी आई यार, इसका ज़्यादा देर का रुकने का वक्त नहीं था यहाँ पे। तो यार ये यहाँ से निकल भी रही है यार, हॉर्न साउंड मेरे को ढंग से सुनाई नहीं दिया इसका, ये देखो अभी सुनाई दे रहा है इसका हॉर्न साउंड। खैर जो भी हो गाइस, बताओ यार कितने सारे ट्रेन आपको देखने को मिले अब तक। अच्छा ये तो दूसरी, अरे एक सेकंड गाइस, ये ट्रेन कब आई यार, मैं सोच रहा था आखिर ये वाली जो ट्रेन है ये कब आई है यहाँ पे। 40472 WDP40 के साथ में एक ट्रेन मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सी ट्रेन है वैसे ये, मन्नरगुड़ी भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अरे ये डिपार्ट भी कर रही है, तुम आए कब और अचानक से जा भी रहे हो, क्या मस्त वाला इसका साउंड आ रहा है। वैसे गाइस हमारा भी डिपार्चर का वक्त हो चुका है, तो हम लोग भी यहाँ से अभी फिलहाल डिपार्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर हॉर्न बजा देते हैं लंबा वाला और हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते धीरे धीरे। चलो गाइस, तो गाइस 20 में मैंने पेंटोग्राफ को चेंज भी कर लिया था और धीरे धीरे अभी हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं अपने स्टेशन से। वैसे गाइस एक चीज आपने नोटिस किया क्या, यहाँ पे तीन तीन ट्रेन्स का ना एक साथ में पैरेलल रन हो रहा है। गाइस देखो यार नज़ारा, देखो यार क्या खूबसूरत और शानदार नज़ारा है, तीन तीन ट्रेन्स का एक साथ में पैरेलल रन चल रहा है इटारसी स्टेशन से डिपार्चर के वक्त। गाइस क्या सीन है यार, इस नज़ारे के लिए एक लाइक ठोकना तो बनता ही है गाइस, क्या कहते हो। वैसे यार यहाँ का जो सिग्नल है, वैसे हम लोग को येल्लो मिला था, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग तीन जन एक साथ में डिपार्ट कर रहे हैं, पता नहीं यार सामने में क्या होने वाला है। खैर जो भी हो, पैरेलल रन का जो सीन है आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तीन ट्रेन्स का आपस में एक साथ पैरेलल रन होना, ये कोई संयोग तो नहीं लग रहा है गाइस, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। मेरे को यार थोड़ा सा डर सा लग रहा है, क्योंकि कहीं डिरेलमेंट वगैरह या फिर टक्कर वगैरह ना हो जाए यार। चलो यार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला है, इसलिए मैं ना गेम को सेव करके रखता हूँ यहाँ पे। चलो गेम को मैंने सेव कर दिया है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे ट्रेन के साथ में, यानी जन शताब्दी के साथ में। और लगता है कुछ तो गड़बड़ ज़रूर से होने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है। काम करते थोड़ा सा हम लोग स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, नहीं गाइस ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ नहीं करेंगे, फिर पता चला फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अभी हम लोग को किस साइड के ट्रैक्स में जाना है यार, सीधा जा रहे हैं। एक सेकंड, अरे ये क्या हो रहा है यार, अरे रुकवाओ कोई ट्रेन को, एक सेकंड, अरे वाइपर्स ऑन करो, व्यू क्लियर नहीं आ रहा। ये देखो यार हम लोग तो सीधा जाके इस ट्रेन को ठोकने वाले, जल्दी से रुकवाओ, ब्रेक अप्लाई करो यार, अभी मरने वाले हम लोग, फुल ब्रेक्स को अप्लाई करो यार, जल्दी से रुकवाओ ट्रेन को, टक्कर ना हो जाए कहीं, बाल बाल बच गए गाइस। ये देखो अभी ये डिपार्ट कर रही है यहाँ से, अरे यहाँ पे क्या सीन होके रखा यार, पता नहीं वैसे सिनेरियो किसने डिज़ाइन किया पता नहीं, बहुत ही अच्छा सिनेरियो मेरे को लगा, लेकिन ये बीच बीच में ये ग्लिचेस पता नहीं कैसे आ रहे हैं, इसको क्या हो गया यार, अचानक से ये बीच में आकर रुक जाती है और फिर धीरे धीरे डिपार्ट भी करती है। और अभी अभी हम लोग ठुकते ठुकते बचे गाइस, ये देखो इसी ट्रैक्स से ये ट्रेन जा रही है, काफ़ी धीरे धीरे से जा रही है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, पता नहीं यार क्या होने वाला है यहाँ से, मेरे को ज़रा सा भी आइडिया नहीं। गाइस अगर आप लोग ये वाला सिनेरियो खेले हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि इसके आगे में क्या होने वाला है। तो गाइस ये जानने के लिए आपको इसका अगला पार्ट तो ज़रूर से देखना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल आप लोग मेरे को ये बता दूं कि वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर से ठोक देना, और हाँ गाइस अगर आप लोग पहली बार एंट्री मारे और आपको ये पसंद आ रहा है देखने में मज़ा आ रहा है तो यार सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। और हाँ गाइस अगर आप लोग जानना चाहते हो कि इसके बाद में क्या होने वाला है तो यार अगला पार्ट देखने आप लोग को ज़रूर से आना होगा। ओके गाइस अभी मैं आपसे फिर से मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए सयोनारा और बाय।